हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी QQM के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी EL-310 में यूनिट 15 है, जो इसका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट है व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड सेकेंड थिंग हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ TQM। सेकेंड थर्ड इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ TQM एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ TQM। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि टोटल क्या होता है। टोटल का मतलब होता है कि द इन्वॉल्वमेंट एंड इनपुट ऑफ एवरीवन, मतलब जो भी हमारे सिस्टम में शामिल है उसका किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो अपने किस प्रकार से इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे क्वालिटी, क्वालिटी क्या होती है, फुली मीटिंग कस्टमर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑल द टाइम, मतलब जो भी कस्टमर है हमारा वो मार्केट में क्या डिमांड करता है, द स्टार्टिंग टू उसके कंजप्शन से कंजप्शन तक उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्वालिटी कंट्रोल जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में। एंड नेक्स्ट थिंग है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, द वे वी एक्ट ऑपरेट कंट्रोल एंड हैंडल इट, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस हिसाब से काम करता है ऑपरेट करता है कंट्रोल करता है वो सब मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो अब हम इसमें देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि व्हाट इज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऐसा मेथड है जिसमें प्रोसेस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी तथा जो भी सभी एक्टिविटीज होती है उनको लगातार कंटिन्यूअसली उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है, उसको इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इस जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसमें क्या क्या प्लान्स होते हैं। तो इसमें जो प्रोसेस होते हैं वो चार प्रोसेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो इसको टोटली हम बोलते हैं PDCA साइकिल, दो हम इसमें डायग्राम में देख रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे अभी प्लान क्या होता है। प्लान PDCA चक्र का पहला स्टेप होता है, इसमें कोई जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका असेसमेंट किया जाता है और उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग नए प्लान्स बनाए जाते हैं। और डू में क्या होता है कि जो हमने प्लान बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कार्य है उनको वो सब किया जाता है। नेक्स्ट रहते हैं कि चेक करते हैं कि जो भी हमारे पहले प्रॉब्लम्स आई थी और अभी जो हमने किया है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जो हमारे डिजायर्ड था, जो हमने सोचा था कि हमें इसमें सिस्टम में ये इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है वो चेक के अंतर्गत आएगा। एक्ट का मतलब होता है कि जो हमने लास्ट थ्री स्टेप्स में किया है उनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया जाता है कि आगे से जो ये काम किया जाना है ये इस तरीके से करना है और इसको कंटिन्यूअसली इसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना है सिस्टम में। नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ TQM। तो TQM के निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं जिसमें कि है फर्स्ट है कस्टमर फोकस, जिसमें क्या जो अपना कस्टमर होता है उसको किंग माना जाता है, कि जो उसको चाहिए हमें वही प्रोवाइड कराना है ताकि उसको भविष्य में भी हमसे जुड़ा रहे और हमारी प्रोडक्ट को खरीदे। नेक्स्ट है इसमें कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब है कि जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है इसमें कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी। क्योंकि क्यों होगी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बदलता रहता है, जो कस्टमर को चाहिए हमें उसको वही प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि जो हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं उसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट बेहतर तरीके से होना जरूरी है। जो भी हमारी वर्क फोर्स है वो एकदम स्किल्ड होनी चाहिए, उनको अपने रोल्स की जो रोल्स हैं उनके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निक्स एंड टूल, मार्केट में नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए टूल्स आ रहे हैं, तो हमें इनका उपयोग करते रहना करना चाहिए और इनके उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी और नए टूल्स नए कस्टमर्स को भी आकर्षित करती है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, कंपनी में जो भी निर्णय लिए जाएं वह तथ्यों तथा डेटा के आधार पर होने चाहिए, न कि इमोशंस या पर्सनल इश्यूज के आधार पर, मतलब भावनात्मक नहीं होना है, जो चाहिए मार्केट में वही प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, मतलब अगर आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हो, किसी सेम लेवल के आदमी से बात कर रहे हो या फिर हायर मैनेजमेंट में बात कर रहे हो, तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर दूसरे के जो भी इश्यूज हैं उनको इजीली डील किया जा सके और एक अच्छे डिसीजन पे पहुंचा जा सके। नेक्स्ट हम है इसमें कि जो अगर हम ये सब इतना काम धाम करते हैं इसका हमें फायदा क्या होगा, इसके हमें निम्न के फायदे होंगे कि इसमें इसका लाभ है कि कस्टमर संतुष्ट रहता है क्योंकि कंपनी के पास प्रोडक्ट और सेवा बेहतरीन होती है, उसमें कोई गलती नहीं होती, कंपनी को बहुत मुनाफा होता है जिससे ग्राहक खुद उस प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को भी बताता है, मतलब कंपनी और कस्टमर दोनों का फायदा है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें प्रोडक्ट की जो कमियां होती है वो TQM का मुख्य कार्य होता है, मतलब अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो जो भी प्रोडक्ट की जो कमियां हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है, वही जो PDCA प्लान था उसके अंतर्गत उनको वापस से अच्छा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इससे ये पता चलता है कि मार्केट में किन प्रोडक्ट की डिमांड है, कि मार्केट को किस चीज की जरूरत है। नेक्स्ट है कि इसमें कंपनी की कॉस्ट में कमी आती है। थैंक यू, ये आपकी यूनिट 15 कम्प्लीट हो गई है, धन्यवाद।